हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट मैच चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, उसको बनाने में कौन से कंपोनेंट्स का यूज होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बट अब एक्सपर्ट सिस्टम बन गया या नहीं भी बना उसकी बात नहीं है, बात ये है कि जो एक एक्सपर्ट सिस्टम है क्या उसके अंदर एडवांटेजेस होती हैं और कौन सी उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो होगा एडवांटेजेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। फर्स्ट एडवांटेज क्या आता है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है, मीन्स अवेलेबल होना किसी के लिए, कोई उसको यूज कर सके। ये चीज जो है अवेलेबिलिटी वो इंक्रीज हो चुकी है। एक्सपर्टाइज इज अवेलेबल और एनी सुटेबल कंप्यूटर हार्डवेयर। आजकल क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए जाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर बनाए जाते हैं, सपोज करो जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, अलग से हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर अलग से सीपीयू होता है, माउस कीबोर्ड सब कुछ अलग होता है, राइट। बट जो एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप में क्या होता है, होते तो सारी चीज़ें उसके अंदर भी हैं, सीपीयू की चिप, मदरबोर्ड, ये सब उसके अंदर भी लगा होता है, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड सब होता है उसके अंदर। बट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर उसको कम स्पेस में इंटेलिजेंटली यूज़ किया गया है, एक्सपर्टाइज वे में यूज़ किया गया, और कंप्यूटर्स में सब पार्ट जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जितने भी ये हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, इसके अंदर क्या किया जाता है, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है एक्सपर्ट सिस्टम की, कि अगर इसके अंदर कोई AI से रिलेटेड टूल्स को हम यूज़ करेंगे देन इस सिस्टम में हम यूज़ कर सकें। इन वेरी रियल सेंस एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ मास कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपर्टाइज। अगर रियल टाइम में देखें, रियल सेंस अगर दिमाग लगाएं तो क्या होगा कि एक्सपर्ट सिस्टम इज द मास कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपर्टाइज। मास कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपर्टाइज का मीनिंग यहाँ लगा सकते हो आप कि एक जगह पर खड़े होकर एक रिमोट एक्सेस से आप किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो थ्रू द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी है, ये नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन ही यूज़ कर सकता है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस्ड है, कम कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्सपर्टाइज पर यूजर इज ग्रेटली लोअर्ड। मतलब कि जो भी एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करने की कॉस्ट है एक्सपर्ट सिस्टम की, वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस रिस्क। अब यहाँ पर कॉस्ट कम है वो तो हमें समझ में आता है कि कम कॉस्ट पे हम अच्छी चीज़, बेनिफिशियल चीज़ का यूज़ कर पा रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम का, ठीक है। बट रिस्क कैसे कम है, दे कैन वर्क इन द एनवायरमेंट डेंजरस टू द ह्यूमन। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कोई हार्मफुल साइट्स हैं, अगर हम उस पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है, बट एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, वायरस नहीं आएगी। लेस एरर रेट, एरर आने के चांसेस भी कम होते हैं। कैसे, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के बाद एक एक्सपर्ट सिस्टम बनता है। पहले वो एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम के फीचर्स डाले जाते हैं और फिर अलग अलग स्टेप्स पर, अलग अलग स्टेजेस पर उसको टेस्टिंग किया जाता है। इतने ज़्यादा टेस्ट को पास करने के बाद भी क्या एरर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आप खुद ही बताएं कि अभी भी ज़्यादा है एरर आने के चांसेस, नहीं है ना, क्योंकि इतने सारे टेस्ट इसको उसने पास किया है। अगर किसी में एरर आया भी होगा तो उसको रिमूव भी किया गया होगा, उसको मैनेज किया गया होगा, ठीक किया गया होगा, है ना। तो अब एरर का जो रेट रहेगा एज कम्पेयर टू द ह्यूमन एरर्स वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट सिस्टम अपना माइंड लगाएगा, AI माइंड लगाएगा, और एक ह्यूमन अपना माइंड लगाएगा। ह्यूमन का तो क्या है, जब वो कितनी बार टेस्टिंग कर ले, कुछ कर ले, बट हो सकता है कि उससे गलती हो ही जाए, इसका कोई श्योर नहीं है कि गलती नहीं होगी, हो ही सकता है गलती हो जाए, बट जब बात आती है एक एक्सपर्ट सिस्टम की, वहां पर एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, फास्ट रिस्पॉन्स। फास्ट रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जैसे ही हम उसको क्वेश्चन पुट करेंगे, क्वेरी देंगे, वैसे ही वो हमें फटाफट से आंसर जो है, रिस्पॉन्स हमें कर देगा आंसर का। फास्ट एंड रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है हमें, जैसे ही हमने क्वेरी दी वैसे ही हमें आउटपुट मिल जाएगा। मे बी द रिस्पॉन्स नेसेसरी फॉर द सम एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बट जो रिस्पॉन्स है ये थोड़ी सी इसकी जो क्वालिटी है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर भी डिपेंड करती है कि आप क्वेरी को सॉल्व करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो और कौन से हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हो। अगर पुराना हार्डवेयर एक्सपोज करो, उसके अंदर पहले से ही प्रॉब्लम है, तो क्या पता वहाँ पर वो रन ना कर पाए, है ना, एक्सपर्ट सिस्टम ना चल पाए। सॉफ्टवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर भी ऐसा होना चाहिए जो बार बार एरर ना प्रोवाइड करे, हैंग ना हो, डेडलॉक में ना लेके जाए सिस्टम को। तो ये सब चीज़ें क्या डिपेंड करती है, फास्ट रिस्पॉन्स। फास्ट रिस्पॉन्स के लिए ये सब चीज़ें जो है वो नेसेसरी हैं कि चेक की जाए सॉफ्टवेयर कैसा है, हार्डवेयर कैसा है, अदरवाइज एक्सपर्ट सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स फास्ट ही होता है। जैसे कि आप सबने अभी यूज़ किया होगा एक वेबसाइट, AI की ये वेबसाइट है ChatGPT। ChatGPT में भी क्या होता है, सबसे फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे ही हम क्वेरी पुट करते हैं वैसे ही हमें आंसर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है, वो फटाफट से आंसर को राइट कर देते हैं, राइट।
User and expert system may be respond faster and may be available than a expert system. Expert, human expert. Human expert के ये कैसे faster बता रहे हैं? Human तो human ही होता है, चाहे वो कितने ज़्यादा expert क्यों ना हो जाओ, उसका response error भी दे सकता है और late भी हो सकता है. But expert system जो है उसका error आने के chances भी कम होते हैं और response faster आने के chances ज़्यादा होते हैं. Performance कैसी है? The expertise is performed permanent. Expertise जो है वो permanent रहती है. अगर AI का जो भी उसके अंदर वर्किंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है एक्सपर्ट सिस्टम में, चाहे वो वर्क ना भी कर रही हो, मतलब जितना उसको नॉलेज बेस दिया गया है उतना नॉलेज बेस तो उसके अंदर अभी है ना, वो तो परमानेंट है. बाकी वो एक्सपर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसेसिंग करने के बाद कितना ज़्यादा अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना. तो जितना ज़्यादा वो अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज करेगा उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी. अनलाइक द ह्यूमन एक्सपर्ट्स हु मे रूटीन क्विट्स डाय द एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज विल बी द लास्ट इनडेफिनेटली. इसका मीनिंग ये है कि किसी की नॉलेज जो है वो एक सीमित नहीं रह सकती, एक लिमिट तक नहीं रह सकती, वो अनलिमिटेड ही रहती है. जिसकी जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा वो इंक्रीज होती रहेगी. स्टडी रिस्पॉन्स, स्टडी रिस्पॉन्स में भी क्या होता है भाई, फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है एमरजेंसी सिचुएशंस में. नेक्स्ट आता है मल्टीपल एक्सपर्टाइज. मल्टीपल एक्सपर्टाइज का मीनिंग क्या है यहाँ पर? द नॉलेज ऑफ द मल्टीपल एक्सपर्ट कैन बी मेड अवेलेबल टू डू वर्क स्टिमुलेंसली एंड कंटिन्यू अ प्रॉब्लम एट अ वर्क डे और नाइट. ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि अगर हम किसी ह्यूमन एक्सपर्ट के पास जाएंगे, सपोज करो ह्यूमन एक्सपर्टाइज के पास हम गए एक्सपर्ट के, तो उसको कोई प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि वो एक अकेला जो है अलग टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका माइंड एक लिमिट तक रहेगा उस सिचुएशन में, उसका माइंड लिमिटेड है. जितना उसका माइंड होगा, जितना उसका नॉलेज होगा, उतना ही वो सोच सकता है, उतना ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है, गोल तक पहुंच सकता है. बट अगर वैसे ही जिस तरह से वो एक ह्यूमन एक्सपर्ट है, वैसे ही और भी बहुत सारे ह्यूमन एक्सपर्ट हों, सोचो वो अपनी सारी नॉलेज को मिलाकर एक एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं, तो एक्सपर्ट सिस्टम की नॉलेज ज़्यादा होगी या उन सब पर्संस की? वैसे एक्सपर्ट सिस्टम की. क्यों? क्योंकि सबके नॉलेज का मिक्सचर कौन है? वो एक्सपर्ट सिस्टम है. तो एक्सपर्ट सिस्टम में जितनी भी नॉलेज होगी, मल्टीपल एक्सपर्ट की नॉलेज होगी, वो डिफरेंट टाइप की, तो अलग अलग टाइप से वो मल्टीपल जो सिस्टम है, मल्टीपल एक्सपर्टाइज सिस्टम, वो थिंक कर सकता है, लॉजिकली थिंक कर सकता है. इंक्रीज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एक्सपर्ट सिस्टम में. इंक्रीज द कॉन्फिडेंस दैट द करेक्ट डिसीजन वाज मेड, कि हम एक्सपर्ट सिस्टम पर ये बिलीव कर सकते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम जो रिलायबल है, कि अगर उसे कोई क्वेरी दी गई है तो वो उसका हमेशा में करेक्ट आंसर ही प्रोवाइड करेगा. द एक्सपर्ट सिस्टम शुड बी ऑलवेज एग्री विद द एक्सपर्ट. एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो हमेशा एक्सपर्ट के थ्रू एग्री ही रहेगा, मतलब जिस एक्सपर्ट ने उसे बनाया है वो तो कहेगा ही कहेगा कि जो मैंने एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है वो हमेशा करेक्ट ही आंसर देगा. तो इसलिए वो कह रहा है कि एक्सपर्ट सिस्टम शुड ऑलवेज बी एग्री विद द एक्सपर्ट, कि एक्सपर्ट सिस्टम में हमेशा एक्सपर्ट से एग्री करेगा क्योंकि उसको बनाया किसने है? एक्सपर्ट ने. अनलेस अ मिस्टेक वाज मेड बाय द एक्सपर्ट, चाहे एक्सपर्ट से कोई गलती भी क्यों ना हो गई हो, लेकिन उस गलती को वो छुपा सकता है. क्यों? चेंजेस कर देगा उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबको तो ये लगेगा ना कि एक्सपर्ट सिस्टम जो भी आंसर दे रहा है वो सही है, तो इसलिए एक्सपर्ट सिस्टम हमेशा एग्री करेगा एक्सपर्ट से. इंटेलिजेंट ट्यूटर. इंटेलिजेंट ट्यूटर का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि एक्सपर्ट सिस्टम में एक्ट एज ए इंटेलिजेंट ट्यूटर बाय लेटिंग द स्टूडेंट्स अ सैम्पल प्रोग्राम्स एंड एक्सप्लेनिंग द सिस्टम एंड रनिंग रीजनिंग सिस्टम्स रनिंग सिस्टम रीजनिंग. इसके कहने का मतलब है जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स, सपोज करो कि उनको कुछ कोड लिखना है, उस कोड में उसको प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, कुछ समझ नहीं आ रहा, मिस्टेक आ रही है, एरर आ रहा है, कुछ भी, तो स्टूडेंट क्या करेगा? सिंपल जाएगा, अपनी क्वेरी पुट करेगा, तो ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसको सैम्पल प्रोग्राम भी बनाकर देगा. जैसे हमने पूछा व्हाट इज कीवर्ड, तो ये कीवर्ड की डेफिनेशन देगा, एक ही चीज़ बताएगा कौन सी लैंग्वेज है, कितने कीवर्ड होते हैं उसके अंदर, कौन से टाइप के कीवर्ड हैं, कीवर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं, एक सैम्पल प्रोग्राम बनाकर देगा, रीजन देगा आपको किस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग. तो एक ट्यूटर की तरह भी काम करता है, ट्यूशन टीचर जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे. इंटेलिजेंट डेटाबेस. इंटेलिजेंट डेटाबेस कैसे है यहाँ पर? नॉलेज बेस का यूज़ करता है, होता डेटाबेस ही है क्योंकि वहाँ डेटा स्टोर है, बट इंटेलिजेंटली स्टोर है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस. एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम कैन एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन इन डिटेल रीजनिंग दैट इट लेड टू बी कंक्लूजन. तो हमेशा हर चीज़ का ये कंक्लूजन प्रोवाइड करता है. अगर इसने 10 नंबर ऑफ लाइन का एक ऐसे लिखा सपोज करो, तो उस ऐसे का कंक्लूजन जो साथ में देगा लास्ट में, चाहे वो एक लाइन का, दो लाइन का, तीन लाइन का क्यों ना, बट कंक्लूजन ये हमेशा साथ में देता है. तो एक्सप्लेनेशन करता है अपने आंसर का कि इस आंसर का कंक्लूजन क्या मिला. तो सर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आज हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं. प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें.
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।